उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान शिव एवं उमा का, पुरुष एवं प्रकृति का 5 दिवसीय उत्सव उमा सांझी के रूप में मनाया गया, जिसका समापन शुक्रवार को उमा माता की सवारी और मां क्षिप्रा के तट रामघाट पर जवारे, संजा विसर्जन एवं पूजन के साथ संपन्न हुआ। महाकाल मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि पंचदिवसीय उमा सांझी महोत्सव के पश्चात अश्विन शुक्ल द्वितीया चंद्र दर्शन को परंपरा अनुसार 4 अक्टूबर को उमा माता जी की सवारी निकाली गई। सवारी शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप, पूजन पश्चात श्री महाकाल चौराहा, महाकाल घाटी, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, कंठाल, सराफा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कार्तिक चौक एवं मोड़ की धर्मशाला, रामानुज कोर्ट होते हुए मां क्षिप्रा के तट पर पहुंची, जहां मां क्षिप्रा के तट रामघाट पर ज्वारे, संजा का विसर्जन एवं पूजन के पश्चात उमा माता की सवारी कहारवाड़ी, बख्शी बाजार एवं महाकाल रोड होते हुए महाकालेश्वर मंदिर वापस पलौटी। इस दौरान धर्मप्रिय जनता ने पालकी में विराजित उमा माता का पूजन अर्चन किया। सवारी में उमा माता पालकी में रजत का विग्रह डोल रथ पर, गरुड़ पर माताजी की प्रतिमा तथा भगवान श्री महेश विराजित होकर निकले। बता दें कि 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव के दौरान मंदिर परिवार के पुजारी पुरोहितगण द्वारा प्राचीन सांझी की शिला पर प्रतिदिन रंगोली से संजा का निर्माण किया गया एवं भगवान श्री महाकालेश्वर के विभिन्न स्वरूपों की झांकी सजाई गई थी। साथ ही मंदिर प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों व शालेय विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। मालूम हो कि साल में एक बार निकलने वाली उमा माता की सवारी में पुलिस बैंड नहीं पहुंचा और पूरी सवारी बगैर बैंड के निकाली गई, जिसकी लोगों में खासी चर्चा रही। महाकाल की माँ पार्वती भैया पहली बार साल में एक बार पालकी में सवार होकर निकलती है और क्षिप्रा मैया के यहाँ जाकर मैया क्षिप्रा मैया और माँ पार्वती की पूजन होती है और संजा को खमाया जाता है, संजा को ठंडी की जाती है। जय महाकाल। कुत्ते द्वारा हमले किए जाने की संभावना से डरी हुई मासूम बोहरा बालिका की मौत हो गई है। नाराज समाजजनों ने ढाबा रोड पर चक्का जाम कर दिया। समाजजनों का कहना था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ा जाए। यह घटना जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के गोनसा दरवाजा इलाके में आज दोपहर को ही, जहां रहने वाली 7 वर्षीय इंशिया लोहावाला नामक बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वहां उसे सड़क पर आवारा कुत्ता दिखाई दिया, जिससे डर कर बालिका ने अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। घर पहुंचने पर बालिका की तबीयत खराब हो गई। परिजन उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बालिका सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा पहली की छात्रा है। बालिका की मौत से नाराज समाजजनों ने शाम को ढाबा रोड पर चक्का जाम कर दिया। खबर मिलने पर विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी भी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं SDM और CSP भी पहुंचे और चक्का जाम कर रहे लोगों से बातचीत की। नाराज समाजजनों का कहना था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर भेजा जाए। साथ ही बोहरा समाजजन और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि चक्का जाम स्थल पर नगर निगम आयुक्त को बुलाया जाए, उनसे बात कर समस्या का समाधान होने के बाद ही चक्का जाम समाप्त करेंगे। करीब 1.5 घंटे बाद निगम कमिश्नर आशीष पाठक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। उन्होंने बताया कि घटना बड़ी दुखद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए ही कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मुआवजे की जो बात समाजजन और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है, तो नगर निगम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर मुआवजे के लिए कोई आवेदन आता है तो इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि बोहरा समाज में कुत्ते द्वारा काटने की 3री घटना है। इसके पूर्व डाबरी पीठा में एक्टिवा से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला के पीछे भी कुत्ते लग गए थे, तब महिला व बच्चे स्कूटर से नीचे गिर गए थे। वही एक अन्य घटना में बोहरा समाज का एक व्यापारी अली असगर कागजी, जो कि कुवैत से मुहर्रम के दौरान उज्जैन आया था, उसे भी कुत्ते ने काट लिया था।
एक माह बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। मालूम हो कि उज्जैन में रोज ही 8 से 10 कुत्ते द्वारा काटने की शिकायतें अस्पताल में पहुंचती हैं, परंतु नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर कुत्ते से बचाव का कोई उचित हल नहीं निकालते। भाग रहे क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे सर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा आप इनकी सुन के इस तरह से इस तरह हल करो इनका आप तो वकील हैं आप वकील हैं आप जानते हैं तो एक बार देखिए तो मैं इतने में बोल रहा हूँ यहाँ प्रभावी तौर से हम लोग करा रहे हैं करा रहे हैं आज भी अभी हमने बाहर ये स्कूल से आई एग्जाम दे के सेंट पॉल में पढ़ती है फर्स्ट में और आके घर पे आई और फिर साइकिल चलाने के लिए मोहल्ले में कमरी बाग में गली में गई जो गली में साइकिल चला रही थी कुत्ते को देखा कुत्ते ने थोड़ा लपका इसके ऊपर ये डर के मारे घर में घुस आई आते ही एकदम इसकी हार्ट बीट बढ़ गई हार्ट बीट बढ़ने के साथ में वॉमिटिंग हुई इसको और वॉमिटिंग होकर इसने गर्दन डाल दी तेजनकर हॉस्पिटल ले गए वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि इसमें कोई दम नहीं है फिर बालाजी ले गए बालाजी हॉस्पिटल में वहाँ से उनको मृत्युदोषित किया फिर सिविल में ले गए सिविल में पीएम हुआ। और आज एक कमरी मार्ग पे एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है एक 8 साल की बच्ची के लिए कुत्ते ने काटा था जिसमें उसकी मृत्यु हुई है इसी को लेके यहाँ पे स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना दिया गया था इनको आश्वस्त किया गया है कि पूर्व में भी अब नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है पर चूंकि इस एरिया में ये है कि गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं लोगों का ये कहना है कि कई आवारा कुत्ते हैं यद्यपि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन सतत प्रक्रिया है और उसमें जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में हम लोग कार्रवाई करते भी हैं और जो हैबिटेट को लेके एक बड़ा इशू है कि आप इनको ले जाइए पर यहाँ इस हैबिटेट में मत छोड़िए तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नियमों के अंतर्गत है हम यहाँ पर प्रभावी 3-4 दिन कार्रवाई करें और जो अगर कोई स्टरलाइजेशन के लिए छूटा है कोई डॉग तो उसको हम 3 दिन के लिए डॉग हाउस में रखेंगे और साथ ही साथ हम हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी भी लगा रहे हैं ताकि ये जो चूँकि सकरी गलियाँ हैं पुराना शहर है इसके अलावा नगर निगम ने पूर्व में एक कुत्तों के लिए भोजन वाला वाहन भी किया था कि कई बार कुत्ते इसलिए काटते हैं कि उनको भोजन नहीं मिलता है तो वो भी हम इस एरिया में सतत चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त वाहन भी उसके लिए चलाया जाए। मानसूनी बारिश के थमने के साथ ही सिंहस्थ 2028 के लिए क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कान क्लोज डक्ट परियोजना का रुका हुआ काम तेज गति से शुरू हो गया है। ग्राम जमालपुर में ग्रामीणों ने मशीनों की पूजा कर काम को तेज गति से आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने के लिए ग्राम जमालपुर से निर्माण कार्य होना है। इसके लिए ग्रामीण किसान भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इनके खेतों में खुदाई की जाना है। कान डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य बारिश रुकने के पश्चात शॉफ्ट की खुदाई के साथ शुरू हुआ। ग्राम जमालपुर में भी ग्रामवासियों ने ईश्वर आंजना राहुल आंजना रोहित आंजना ने मशीनों की पूजा कर काम को गति प्रदान की। इस दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री मयंक सिंह अनुविभागीय अधिकारी राहुल नागर उपयंत्री शक्तावत के साथ ही निर्माण फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर केपी सिंह और पचौरी जी उपस्थित है। ये प्रोजेक्ट सिंहस्थ 2028 अंतर्गत संभवतः ये पहला बड़ा कार्य है जो कि फील्ड पर भी वर्षा पश्चात पुनः शुरू कर दिया गया है। करीब 919.94 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को जमालपुर से डायवर्ट कर गंभीर डैम के पीछे डाउन स्ट्रीम में मिलाया जाना है। कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह और SDO राहुल नागर के नेतृत्व में ठेकेदार कंपनी क्लोज डक्ट को लेकर फिलहाल यहाँ सॉफ्ट वर्क के लिए रेल लाइन फाउंडेशन बैचिंग प्लांट एक्सवेकेशन वर्क पुअर्जन आदि कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जून में भूमि पूजन कर तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए थे। मयंक सिंह कार्यपालन जल संसाधन विभाग ने बताया कि कान डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का फील्ड वर्क शुरू हो चुका है। एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका अनुबंध मार्च में होने के बाद अभी बारिश के बाद वापस से कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य तेज गति से चल रहा है। 42 माह की समय सीमा है और इसको जून 27 तक खत्म करने के लिए तेज गति से कार्य करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमको किसानों का और सभी का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है और कार्य तेजी गति से चल रहा है। तेज बारिश के दौरान पिछले दिनों महाकाल मंदिर के सामने महाराजवाड़ा की पुरानी दीवार गिरने की घटना के बाद से नगर निगम प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। घटना के बाद जहां महाकाल और हरसिद्धि से अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं पूरी टीम हरकत में है।
नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे मकान जो जर्जर होकर गिरने की स्थिति में है उन्हें भी जेसीबी व गैंग की सहायता से गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम अमले ने शुक्रवार को पुराने शहर और नए शहर में 3 पुराने और जर्जर मकान का गिराव हिस्सा हटाने की कार्यवाही की है। नगर निगम के शिल्पज्ञ विभाग के निर्देश पर नगर निगम की गैंग ने शुक्रवार को पुराने शहर के गोला मंडी, दादा भाई नोरोजी मार्ग और फ्रीगंज क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित पुराना जर्जर अवस्था में पहुंच चुके गिराव मकान को गिराने की कार्यवाही की है। दोपहर में नगर निगम की टीम ने जेसीबी और गैंग की सहायता से चिन्हित जर्जर भवनों को गिराना शुरू कर दिया था। मालूम हो कि विगत 27 सितंबर को तेज बारिश के कारण महाकाल मंदिर के सामने स्थित पुराना महाराजवाड़ा भवन की बाउंड्री वॉल गिर गई थी, जिसके कारण सड़क किनारे पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले 2 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज नगर निगम की टीमें जोन नंबर 2, 3 और 4 में है, जो गिराव भवन चिन्हित थे, जिनमें बार बार हम लोग नोटिस भी दे रहे थे, उनको गिराने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कल एक बड़ी बृहद मीटिंग करके हम लोगों ने पूरे जितने गिराव भवन में उनकी सूची में फोटोग्राफ हम लोगों ने तैयार कर ली है। साथ ही साथ कुछ में जो न्यायिक विवाद है या कुछ डिस्प्यूट है उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कार्रवाई सतत चलेगी। और चूंकि बारिश के सीजन में और इस समय काफ़ी इस चीज़ों का अंदेशा रहता है और अभी हमारे यहाँ दिवाली और बाकी सारे पर्व भी आने वाले हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के उपाय के साथ साथ ही किया जा रहा है। जो भवन गिराए जा रहे हैं उसमें जो राशि व्यय होगी उसकी वसूली भी तो भवन का धारक है उससे वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग को रिनोवेट करने का कार्य शुरू हो गया है। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इस कार्य को करने का प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व तैयार हो गया था। इस कार्य के दौरान यूडीए की बिल्डिंग में एक एकल खिड़की भी बनाई जाएगी, जिससे यहां आने वाले लोगों को आसानी से जानकारी मिल सकेगी। रिनोवेशन का कार्य करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालन मंडल के द्वारा 2 वर्ष पूर्व बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव रखा गया था, उसी के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है। क्योंकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम है, इस काम से यह लाभ मिलेगा कि जो भी आवेदन देने हितग्राही आ रहे हैं उनको एक ही जगह पर अपना आवेदन देना पड़ेगा और उसी जगह से उसको वो योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो नवीनीकरण हो या फिर कोई भी मृतक नामांतरण हो आदि। जो भी व्यक्ति ये आवेदन लेकर आएगा उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सिंगल विंडो पर यह काम करवाया जा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसका लेआउट भी तैयार किया गया है। क्योंकि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा उज्जैन में बहुत सारी नई स्कीम लाई जा सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इंजीनियर सेक्शन को प्लानिंग के तौर पर तैयार किया जा रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व पूरे बिल्डिंग को रिनोवेट करने का प्रस्ताव हुआ था, उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार से प्लानिंग की गई है। चूँकि वर्तमान में हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं और कई सारे हितग्राही आते हैं और उनकी किस प्रकार से कन्वीनियंस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, मतलब ये हुआ कि जैसे संपदा है, यदि आप नीचे देखेंगे पूरा संपदा ऑफिस को रिनोवेट किया गया है कि हर जगह पर सिंगल विंडो रहेगा, जो भी हितग्राही आ रहा है अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो उसको एक ही जगह पर जाके अपना आवेदन देना रहेगा और उसी जगह से ही उसको फिर अपनी जो भी योजना का लाभ है, चाहे वो लीज नवीनीकरण हो या फ्री होल्ड हो या फिर आपका विक्रयंतरण हो या कोई भी मृतक नामांतरण हो, उसको हर जगह जगह पर बाबुओं से या ऑफिस स्टाफ से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, सिंगल विंडो रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी ऑफिस का लेआउट की स्ट्रक्चरिंग की है। ठीक उसी प्रकार चूँकि आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा शहर में कई नवीन स्कीम्स लाई जा रही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर पूरा इंजीनियरिंग स्टाफ को, पूरे इंजीनियरिंग सेक्शन को, प्लानिंग को, भोजन को प्लान किया गया, उसी पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले 1-1.5 महीने में संपूर्ण कार्य कर लिया जाएगा। महापौर मुकेश टटवाल आज नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के ऑफिस में बैठे और लोगों की शिकायतों को सुना। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का हाथों हाथ निराकरण भी कराया। आम लोगों को नगर निगम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए आज महापौर मुकेश टटवाल नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के ऑफिस में बैठे और आम लोगों की शिकायतें सुनी।
इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे, जिनका महापौर मुकेश टटवाल ने मौके पर ही निराकरण करवाया। टेंडर वापस से निकलेगा फिर कोई नहीं आया लेने, अभी जो आया तो 45% अभाव मान रहा था। ये मैंने कम से कम पहले महीने भर पहले दी थी रसीद, वो भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 15 दिन बाद उन्होंने बोला बोले कि वो आवेदन वगैरह लगेंगे और उसका वो बनाओ आप सर्टिफिकेट, वो क्या नाम से शपथ पत्र बनाओ, ये सारे कागज देने के बाद भी वो नहीं हुआ, तो फिर मैं आ जाई थी। अभी बोल रहे थे अधिकारी आपको? नहीं, अधिकारियों ने तो बोला करेक्शन कर दो, लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो जो है अभी हमारे मैडम नहीं है, अभी हमारे वो नहीं है, अभी भी उन्होंने टाला। वो जब भी बुलाया था कौन से अधिक वो थे चश्मे वाले भैया, वो उन्होंने आज हमारी जन्म मृत्यु शाखा में, मैं यहाँ पर बैठा हूँ दोपहर 1 बजे से। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब यहाँ सब लोग आए तो लोगों के समस्याओं का निराकरण किया। किसी का 13 वर्ष से नहीं बन रहा था उसका प्रमाण पत्र बनवाया, किसी का 23 वर्षों से चक्कर खा रहे हैं, कोई लोग महीने से चक्कर खा रहे हैं। इन सबकी छोटी छोटी समस्याओं के कारण जो उनका निदान नहीं हो रहा था उन सबका निदान करवा करके आज सारे प्रमाण पत्र धुनवाएँ और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि एक तो यहाँ पर लोग आए तो उनको व्यवहार से ठीक से बात की जाए और लोगों की समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। आज सांख्यिकी विभाग के और हमारे निगम के सारे अधिकारियों को भी बुला करके बैठ करके सभी का निराकरण करना। शिवपुरी में संभागीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल एवं अवैध परिवहन पर ट्रांसपोर्ट के गुंडों द्वारा जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के विरोध में प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए जाने को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड इकाई महितपुर के कर्मचारियों ने महितपुर SDM अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर संभागीय स्तर ग्वालियर के तहत उड़न दस्ता बनाया गया, जिसके द्वारा 28 सितंबर को राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट के मालिक दीपक तोमर और अन्य के द्वारा पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर अपने अवैध मूंगफली के दाने से भरा वाहन को स्थल से भगाया और उड़न दस्ता दल के कर्मचारी विकास शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को पत्थर तथा कुर्सियों से भयानक रूप से मारकर गंभीर घायल कर दिया कि उक्त गुंडे द्वारा उक्त कर्मचारी को जान से मारने की धमकी और ये कार्य किया गया। साथ ही यह भी आवेदन किया गया कि संबंधित अपराधियों पर कठोर कार्यवाही की जाए, अगर 1 अक्टूबर तक कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रदेश स्तर पर सभी 269 मंडियां, उपमंडियां, समस्त आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय को बंद करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये मंडी बोर्ड द्वारा क्या है, संभागीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया था ग्वालियर के अंदर, जिसका पूरनखेड़ी टोल नाका पर रोक कर एक वाहन को रोका गया एवं उससे पूछताछ की गई, जो बिना अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था, जिसमें ड्राइवर द्वारा अभद्रता की गई। उसके साथ हमारे साथी विकास शर्मा जो सहायक निरीक्षक थे संभागीय उड़न दस्ता दल के, उनके द्वारा अभद्रता की गई ड्राइवर द्वारा एवं ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया। ट्रांसपोर्टर के द्वारा आने पर हमारे साथी विकास शर्मा के मारपीट की गई एवं कुर्सी एवं पत्थरों से बहुत बुरी तरह मारा गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी है। इस संबंध में हमारे SDM साहब को ज्ञापन दिया गया। उज्जैन के शहीद पार्क के अभिव्यक्ति मंच पर सवैया सम्राट दूल्हे सिंह सिकरवार की स्मृति में यादगार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को अपनी कविता में होश पाश में बांधे रखा। खास बात यह रही कि इस कवि सम्मेलन में किसी भी कवि ने अपने रचना पाठ में चुटकुलों का प्रयोग नहीं किया। पत्रकारिता और काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के लोकप्रिय आशु कवि नरेंद्र सिंह अकेला को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए दूल्हे सिंह सिकरवार सम्मान से सम्मानित किया गया। शाल एवं श्रीफल साथ ही 25,000 की सम्मान निधि भेंट की गई। दूल्हे सिंह सिकरवार स्मृति मंच के संयोजक श्याम सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कवि सम्मेलन में फिरोजाबाद के पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर ने 1 घंटे तक देश के हालात और भविष्य को रेखांकित करते हुए शानदार धनाक्षरी छंद सुनाया। मैनपुरी के ओजस्वी कवि राम भदावर ने युवा शक्ति को जगाने के लिए ओज का रसपान कराया। देश को कमजोर करने वाली ताकतों को उन्होंने कविता के माध्यम से चुनौती दी। प्रयागराज के व्यंगकार नजर इलाहाबादी ने खूब गुदगुदाया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर करण सिंह जैन ने छंदों से अपना रंग जमाया।
नरेंद्र सिंह अकेला ने उन्हें बंगाल के लिए चार पंक्ति समर्पित करते हुए कहा कि ये पंक्तियां वहां तक जरूर पहुंचे। रईस पान बिहारी ने अपने अशारों और तरन्नुम से माहौल को शायरीमय बना दिया। गुजरात भुज से आई मोनिका हटिला ने श्रृंगार रस में डूबकर श्रोताओं को भी श्रृंगार रस में डुबाए रखा।